हे गाइस इट्स दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई बुरी खबर से स्टार्ट करते हैं। अब तुमको पता है यहाँ पर इंटर मियामी के लला अगर बात करें यहाँ पर लियोनेल मेसी, और अगर यहाँ पर बात करें हम अल नसर के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ शायद से अपने करियर में लास्ट मैच खेलने वाले हैं 1 फरवरी को। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात ये हो रही है, देखो जहाँ सबसे पहले इंटर मियामी की परफॉर्मेंस प्री सीजन में ख़राब होती हुई दिख रही है, जहाँ पर डैलस से भी वो हार गए, उससे पहले भी यहाँ पर उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं थी। ऐसे में यहाँ पर टाटा मार्टिनो को टाटा नैनो में बिठा के अब मंगल ग्रह पे भेजने की बारी आ चुकी है। लेकिन बुरी खबर असल में इस परफॉर्मेंस की नहीं है, बुरी खबर यहाँ पर यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर अल नसर की बात करें तो उनका पहला प्री सीजन का गेम इंटर मियामी के साथ नहीं बल्कि यहाँ पर चाइना में था, और 2 मैचेस उनको खेलने थे और उसके बाद वो यहाँ पर मेसी के साथ मैच लड़ते। लेकिन अल्टीमेटली एंड मोमेंट पे अल नसर ने पब्लिक अनाउंसमेंट करी कि एक ऐसे रीज़न की वजह से जो कि उनके कंट्रोल से बाहर था वो चाइना के टूर को कैंसिल कर रहे हैं। खैर अप्रोप्रिएट वर्ड में बताऊँ तो कैंसिल नहीं, वो मैच को पोस्टपोन कर रहे हैं। बस 100 बात की एक बात, वो मैच नहीं खेलेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बताया कि यहाँ पर उनको इंजरी हो गई है, और जब मैंने रिसर्च करा तो पता चला कि काफ इंजरी हुई है। लेकिन किसी भी आर्टिकल में, क्योंकि सही बात बताऊँ तो अल नसर ने शायद से इस इन्फॉर्मेशन को बाहर ही नहीं जाने दिया, और क्यों जाने देंगे क्यों नहीं जाने देंगे वो मैं बताता हूँ अभी, किसी भी आर्टिकल पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कितने लंबे समय के लिए इंजरी हुई है। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि आने वाले 2 मैचेस जो उनको चाइना में खेलने थे वो वहाँ नहीं खेलेंगे। सोचो क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं खेलेगा तो पूरा ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भाई इस खबर को सुनने के बाद चाइना के फैंस ने भाई जो बवाल काटा है वहाँ पर होटलों में जाके घुस घुस के, मतलब काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती थी। लेकिन अगेन देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर और बाकी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ ने काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से उसको संभाला। बट ये इन्फॉर्मेशन कि कितने देर दिन के लिए उनको यहाँ पर इंजरी से जूझना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन किसी भी आर्टिकल में इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अल नसर को ही पता है कि इंटर मियामी वर्सेज अल नसर के बिल्डअप में कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मान लो कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल्टीमेटली तब तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन उस पूरे बिल्डअप में अगर कहानी सिर्फ इसी उसके अराउंड घूमती रहेगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंजरी है, क्या वो वापसी करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं रोनाल्डो वर्सेस मेसी द वन लास्ट डांस के हाइप को बहुत अफेक्ट पड़ेगा। और ये चीज़ उनको पता है इसलिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकलने देंगे। वैसे मेरे को लगता है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए वो इस चीज़ को, और उनको अगर लगेगा ना तो वो अल हिलाल वर्सेस इंटर मियामी का मैच पहले करवा देंगे रादर देन अल नसर वर्सेस इंटर मियामी का। लेकिन ये मैच तो होके रहेगा जितना मेरे को पता है पैसों की वैल्यू। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़े से कैट एंड माउस टॉम एंड जेरी फाइट की। रियल मैड्रिड वर्सेस अलमीरा का जो मैच था, अलमीरिया का जो मैच था वो बहुत कंट्रोवर्शियल टर्म्स पे एंड हुआ, और जो एम्बेरसमेंट थी या फिर आप कहो कि जो रेफरिंग का लेवल था वो इस कदर यहाँ पर क्रिटिसिज्म का मुद्दा बना। लेकिन इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी इस पूरे मुद्दे पे 1-3-4 लेवल यहाँ पर और चढ़ गया जब बार्सिलोना प्रो रिपोर्टर जेरार्ड रोमेरो, जिन्होंने अपने जानते से एफसी प्लेटफॉर्म से यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म करी कि उनके पास यहाँ पर 2 ऑडियोज हैं वीएआर की जो कि वो लीक करने वाले हैं, और भाई ने मिथुन चक्रवर्ती की तरह सही में लीक भी कर दी। और ऐसे नहीं, भाई को पता है कि बॉलीवुड की तरह हाइप कैसे बनाते, तो भाई ने पहले एक लीक करी फिर अगली लीक कर दी। अब जो पहले दिन लीक हुई थी उस लीक में यहाँ पर विनीसियस ने अल्मीरिया के एक प्लेयर को सुपरमैन पंच मारा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर वो एक डायरेक्ट ऑफेंस था रेड कार्ड का। जब वीआर ने इसको पूरा संज्ञान में लिया तो उन्होंने ऑन फील्ड रेफरी को बताया कि भाई देख ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे को नहीं लगता यहाँ पर ये कुछ ऐसा रेड कार्ड ऑफेंस है इसलिए इसको हम जाने दे सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें थी, खैर एक सिमिलर सा ऑफेंस उन्होंने दूसरे लीग में भी डाला, लेकिन उसमें इस बार अल्मीरिया का प्लेयर सबायोस पे फाउल कर रहा था। देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो फैंस को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है। पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई रेड कार्ड ऑफेंस है जो कि लग रहा है कि भाई ऑब्वियसली अगर आप फेस में मुक्का मारोगे तो आप यहाँ पर ऑन फील्ड रेफरी को मॉनिटर पे क्यों नहीं भेज रहे, आपने बेलिंगम में भी तो यही करा था तो आप यहाँ भी भेज सकते हो। अब ऑफकोर्स काफ़ी लोग ये कहेंगे कि बेलिंगम में तो फिर भी रेफरी 3 मीटर पे खड़ा था, ये वाला जो इंसिडेंट हुआ था रेफरी के नज़र के पीछे हुआ था, लाइक उसने देखा नहीं था, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर ऑन फील्ड रिव्यू पे भेजना चाहिए था। जो दूसरा मुद्दा है वो थोड़ा लीगल पे आ जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये लीक हुआ कैसे, मैं तुमको बता दूँ यहाँ पर बहुत केसेस दर्ज हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, और मैं सही बताऊँ यहाँ पर एल लगवा दिए जाएंगे जेरार्ड रोमेरो के, ये पक्की बात है। क्योंकि असल में बात ये आ गई, पूरा लालीगा इसमें चपेट में आ गया, और अब ऑफकोर्स यहाँ पर बैकिंग मिली होगी उसको बार्सिलोना से या फिर किसी और जहाँ से भी मिला होगा, नहीं तो वो इतना बड़ा काम ना करता, ठीक है, वो इतना बड़ा यहाँ पर वो नहीं है, संत नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर अल्मीरिया की बात करें, रियल मैड्रिड की बात करें, बार्सिलोना
बार्सिलोना की बात करें, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है, बार्सिलोना क्यों बार बार कह रहा हूँ वो मैं बताता हूँ क्यों, इन सबको यहाँ पर लालीगा ने तो कहा कि इनका तो कोई रोल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वीआर की फाइल्स होती है ना, ये इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसको रियल मैड्रिड भी एक्सेस नहीं कर सकती, इसको अल्मीरिया भी एक्सेस नहीं कर सकती। उन्होंने इस पूरे केस से उस सॉफ्टवेयर कंपनी को भी बाहर कर दिया जिनके साथ, ऑफकोर्स जिनका प्लेटफॉर्म वो यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस कंपनी के साथ भी हमारा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो सही में जो रेफरीज यूज़ करते हैं उनमें से किसी ने लीक करी, बट इस पर भी थोड़ा अनसर्टेन है कि कोई अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के क्यों मिट्टी में मजाक उड़वाएगा। और दूसरा ये होता है किसी ने हैक कर लिया हो। अब अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। बात करते हैं उस मुद्दे की कि मैं बार्सिलोना का नाम बार बार क्यों ले रहा हूँ। जावी ने लपेट लिया, उसके बाद रियल मैड्रिड टीवी ने वापस से रिप्लाई करा, फिर जावी का रिप्लाई आया, तो ये बैक एंड फोर्थ हुआ। और कल मुंडो डेपोर्टिवो पे यहाँ पर लपोर्ता ने एक बहुत एक्सटेंसिवली इंटरव्यू दिया और उसने लपेट दिया भाई रियल मैड्रिड को, उसने पूरा लपेट दिया। उसने कहा एम्बैरस है, वी आर किडनैप हो गया। उसने कहा हे माँ माता जी हो रे मैया यो का देख लियो, मैंने ये सारी तरीके से उसने इंटरव्यू दिया और उसका बनता भी है। कुछ ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है, अब नेग्रेरा के केस में बार्सिलोना को लपेटा जा रहा था। दिस इज़ द रीज़न वाई बार्सिलोना चाहती है अब कि वो रियल मैड्रिड को फ्रंट फुट पे आके अटैक करे और जितना हो सके वो रियल मैड्रिड की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करे, क्योंकि रियल मैड्रिड ने भी अपनी यहाँ पर हिस्सेदारी दी थी कि नेग्रेरा केस में वो बार्सिलोना के अगेंस्ट खिलाफ जितनी भी गवाही होगी सारी गवाही देंगे, सारे सबूत पेश करेंगे और अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली बार्सिलोना ये कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि रियल मैड्रिड का यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन उसको किसी तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाए। और तुम एक हिपोक्रेसी की बात देखो, ये दोनों क्लब आपस में भिड़ रहे हैं और सुपर लीग में यही दो क्लब हैं, मतलब हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। खैर, इसी के साथ जब सुपर लीग की बात करिए तो उनके सीईओ ने यहाँ पर कंफर्म किया है कि एज मच एज 50 क्लब के साथ हम ऑलरेडी टॉक्स में हैं और 20 क्लब की हाँ आ चुकी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 20 क्लब्स के मैं नाम नहीं दे सकता लेकिन 20 क्लब्स की हाँ आ चुकी है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे पास कॉम्पिटिशन चालू करने के लिए अब क्लब्स भी आ चुके हैं। अब जब बायर्न म्यूनिक, PSG, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सारे प्रीमियर लीग के क्लब्स, एथलेटिको मैड्रिड, इंटरनेशनल, AS रोमा, ये सारे क्लब्स ने जब मना कर दी है तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ये 20 क्लब है कौन से। और इसके साथ इन्होंने ये भी दावा किया कि वो अभी भी फ्री टू वॉच, यानी कि हर एक बंदा दुनिया का फ्री में इसको देख पाएगा, इस पे भी अभी भी कायम है। भाई लगभग मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं, ये वाजिब नहीं हो सकता, ये वैलिड नहीं हो सकता। मतलब लगभग हम $4.5 बिलियन की बात कर रहे हैं कि इनको इतना पैसा तो झोंकना ही पड़ेगा अगर ये फ्री टू वॉच का दिखा रहे हैं। क्योंकि यार देखो यार, फीफा, UEFA सारे मेजोरिटी 80% ऑफ द पैसा सिर्फ TV ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू से कमाते हैं और उस चीज़ को ये फ्री कर रहे हैं, भाई क्या ही करेंगे। खैर, इसी के साथ बात करते हैं अपने एक बड़ी अपडेट की। और भाई कल विक्टर ओसिमन ने यहाँ पर ये अपडेट दिया कि वो यहाँ पर अगला डिसीजन उनके करियर का ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर नेपोली में खुश हूँ, मेरा पूरा फोकस है, लेकिन मैं जैसा मेरा करियर का हमेशा से प्लान रहा है, मैं ही डिसीजन लेता हूँ और मैंने वो डिसीजन ले लिया है कि मेरे को आगे क्या करना है। अब उनकी पॉसिबल डेस्टिनेशन के बाद बताऊँ तो देखो रियल मैड्रिड है, जब तक एम्बापे नहीं होता तब तक रियल मैड्रिड, तो देखो मैं मान के चल रहा हूँ। चेल्सी है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है, आर्सनल है जो कि अनदर, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। काफ़ी लोग कहते हैं कि इवान टोनी कर रहे हो, अगर इतना ही पैसा खर्च करना है, अगर 100-110 खर्च करना ही चाहते हो तो वाई नॉट गो फॉर ओसिमन। इसी के साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़े थोड़े यहाँ पर बाकी के क्लब्स भी हैं, अब वो बहुत सारे क्लब्स हैं लेकिन पर्टिकुलरली प्रीमियर लीग ही है। उसने खुद भी कहा कि मेरे रूमर्स प्रीमियर लीग से आ रहे हैं और लगता है कि आप प्रीमियर लीग से आ सकते हैं, क्योंकि प्रीमियर लीग बेस्ट है और द मोस्ट डिफिकल्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड है। इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी की, जो कि एफकॉन के साथ। भाई मेरी पर्टिकुलर तुमसे एक गुजारिश रहेगी, एफकॉन जरूर देखो। इंडिया तो बाहर होगी एशिया कप से, तो एशिया कप देखो ना देखो, ह्यूमन सॉन वगैरह के वैसे देख लेना, लेकिन एफकॉन जरूर देखो भाई, इतने कमबैक्स। एंड ऑफकोर्स एफकॉन फैन कोर्ट पर आ रहा है। एफकॉन के रिगार्डिंग भाई ये अपडेट है कि इजिप्ट बहुत ड्रामेटिक वे में राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर गए, लेकिन उस मैच में साला नहीं खेले थे। अच्छा, साला नहीं खेला था, साला इंजर्ड हुआ था, उस मैच को देख रहा था। लेकिन इस पूरे मैच के रिगार्डिंग यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि मैच से जस्ट पहले ये अफवाह फैल गई कि भाई साला अब लिवरपूल जाने वाला है, और अल्टीमेटली होता भी ऐसे है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो बहुत अपडेट्स हैं वो ये है कि भाई लिवरपूल के पास बेटर फैसिलिटी है और यहाँ पर बहुत सारे तामझाम हैं, और अगर साला को वापस से फिट लेके एफकॉन में खिलाना है तो साला के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो लिवरपूल जाके अपना ट्रीटमेंट करवाए। अब पीछे की बात कुछ और हो या ना हो, लेकिन भाई साला को उसकी होम कंट्री यानी कि इजिप्ट में बहुत गाली पड़ रही है। अगर इजिप्ट के ही मोस्ट कैप्ड प्लेयर
नेशनल टीम के, उन्होंने यहाँ पर साला को कहा कि साला को ये पहले से ही पता था और साला चाहता ही है कि वो लिवरपूल जाके खेले। उन्होंने ये भी कहा कि साला को अगर ये सही में इंजरी वाली चीज़ जेन्युइन थी तो भी उसको यहाँ पर इजिप्ट के साथ ही रहना चाहिए था, चाहे वो एक टांग पे खेले या फिर एक टांग मतलब उसकी इंजर्ड। उन्होंने कहा कि मोटे मोटे तौर पे इवन इफ अगर वो ना खेल सकता फिर भी उसको यहाँ पर अपने तरीके से अपने टीम को सपोर्ट करते रहना चाहिए था और ये ऐसा सा भांग भोसड़ा सा कर दिया। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर लिवरपूल चाहती है कि वो साला को वापस से एफकॉन भेजे। साला शायद से चाहता है कि वो एफकॉन वापस खेले, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ यहाँ पर डेफिनेटली पहले लुक पर जो इंजरी दिख रही थी उससे ज़्यादा सीरियस है, यानी कि असल में मसल में उसका टीयर है। अब सौ बात की एक बात ये है कि वो एक मैच खेल सकता है और वो भी तब जब इजिप्ट फाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि लगभग 3 हफ्ते लगेंगे एफकॉन को के फाइनल को होने में और 3 हफ्ते ही लगेंगे साला को रिकवर होने में अगर सारी चीज़ें स्मूथ एंड सैक्सी सैक्सुक्स जाती है तो। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी अपनी अगली अपडेट की। तो भाई यहाँ से आती है बेंजिमा की सिचुएशन। लेक क्विप ने यह बताया कि बेंजिमा और यहाँ पर अल इत्तेहाद में जो सिचुएशन चल रही है वो पोकर की सिचुएशन चल रही है। पोकर 3 पत्ते ताश का गेम चल रहा है जहाँ पर कौन कैसी चाल चलने वाला है उसके पीछे कितना झूठ है कितना सच है किसी को भी नहीं पता। उन्होंने कहा बेंजिमा यस पहली बार मेरे को उस पूरे केस में कुछ रीजनिंग मिली है, जिसपे अगेन मैं कह सकता हूँ कि आप कितना भरोसा करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अल इत्तेहाद ने खुद ये इन्फॉर्मेशन लीक करवाई थी कि बेंजिमा नहीं चाहता, बेंजिमा ने छुट्टी मांगी और बेंजिमा यहाँ पर ट्रेनिंग से बाहर जाने वाला है और स्क्वाड में अवेलेबल नहीं होगा। ये बात खुद अल इत्तेहाद ने लीक करवाई थी, लेक क्विप ने ये बताया। साथ ही जब यहाँ पर यही चीज़ बेंजिमा के बहुत करीबी सोर्सेज से यानी कि एक रिलेटिव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से बकवास है, बेंजिमा ने कभी भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, बेंजिमा अभी एक पर्सनल रीज़न की वजह से बाहर है, लेकिन अल इत्तेहाद ने इन्फॉर्मेशन लीक करवाई है या जो भी करवाया या मीडिया अपने आप से इन्वेंट कर रहा है कि उस पर प्रेशर है वो खेल नहीं पा रहा, ये बिल्कुल बकवास है। हाँ ये बताया गया है कि बेंजिमा और अल इत्तेहाद में इस समय डिसएग्रीमेंट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बेंजिमा चाहता है कि अल इत्तेहाद और साइनिंग करके टीम को और इम्प्रूव करे। आने वाले टाइम में मैंने तुमको बताया फैब्रिजियो रोमेनो की बात करें या फिर डेविड ऑनस्टीन की बात करें, दोनों ही रिलायबल रिपोर्टर्स ने ये चीज़ कन्फर्म करी है कि अल इत्तेहाद और बेंजिमा दोनों ही यहाँ पर एक मीटिंग करने वाले हैं जिससे बेंजिमा और गलाडो के बीच में डिसएग्रीमेंट्स को कम किया जाए, क्योंकि सऊदी चाहता है कि बेंजिमा यहीं रहे, शायद से बेंजिमा भी चाहता है कि वो सऊदी रहे। वैसे काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि बेंजिमा यूरोप में वापस जाना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा भाई उसको लाइक पे कट लेना पड़ेगा, लाइक 200 मिलियन से सीधा सीधा 10-15 मिलियन पे आ जाएगा वो, और उसके बाद भी टैक्स वैक्स मतलब बहुत दिक्कत की बात है। मैं इसको ढंग से नहीं समझा इसलिए मैं तुमको पट्टी भी नहीं पढ़ा रहा, मैंने पढ़ा था हेंडरसन के रिगार्डिंग लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कोई फाइनेंस का स्टूडेंट होगा वही समझ पाएगा। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी लाइक फ्लैश न्यूज़ की। सबसे पहले भाई वेस्ट हैम ने केल्विन फिलिप्स को साइन कर लिया है और लोन साइन किया है विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें अरेबास की तो अल्मीरिया के ही प्लेयर यानी कि रियल मैड्रिड का 50% ओन करती है इस प्लेयर का, सऊदी से बहुत अच्छा ऑफर आया लेकिन भाई ने ठुकरा दिया है, तो देखना पड़ेगा क्या सीन होता है क्या नहीं होता। इसके बाद अगर एथलेटिको मैड्रिड की बात करें तो विरेमन को लिया है यहाँ पर जो कि कोके का सक्सेसर होने वाला है। और इसी के साथ अगर बायर लिवरकुजन की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर रियल मेटिस के प्लेयर बोर्जा इग्लिसियास को ले लिया है, यहाँ पर 8 मिलियन का बाय ऑप्शन है। इनिशियली ये डील लोन में होने वाली है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं। ट्रांसफर मार्केट एज यूजल शांत है, इसके पीछे का रीज़न FFP है, इसके पीछे का रीज़न सबके पैर अपनी अपनी चादर से और अपने अपने कच्छे से बाहर है, तो इसलिए सब इस समय कच्छा पहन के अपनी अपनी चादर में छुपे हुए हैं।